हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शैलेंद्र और आज के इस सीआईएसएम वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं टॉपिक स्किल। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा सा है बट इसमें देख क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए मैंने ये टॉपिक इस बार लिया है। ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक है बट इट्स एक्चुअली इम्पॉर्टेंट। तो आपको तो पता ही, हम लोग सीआईएसएम के जो रिव्यू मैनुअल है, जो रिकमेंडेड बुक है, उसको ही फॉलो करते हैं। उसमें चैप्टर नंबर 1 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस में पेज नंबर 33 पे स्किल टॉपिक दिया हुआ है। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली स्किल होता क्या है या स्किल की जरूरत क्या होती है। देखिए, अभी मैंने पिछले वीडियो में जहाँ पे मैंने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया था, वहाँ पे मैंने एक टर्म यूज किया था रेसी, और रेसी को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। 25 काइंड ऑफ जो डिफरेंट रोल्स रहते हैं उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। तो बेसिकली उस रोल में, अगर रेसी में हम लोग को किसी इंडिविजुअल को या किसी डेजिग्नेशन को फिट करना है तो किस बेसिस पे करेंगे, उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है स्किल। ठीक है, तो स्किल का बेसिकली कैसे डेवलपमेंट होता है, आई मीन ऑन व्हाट बेसिस वी कैन कैटेगराइज इंडिविजुअल। तो उसमें बेसिकली स्किल डेवलप होती है फ्यू थिंग्स से। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू कैन ट्रेन समबडी इन पर्टिकुलर स्किल। जैसे मान लीजिए मैं सिम का अगर बंदा हूँ तो आई विल बी ट्रेन इन, लेट्स से सिम टूल। ठीक है, स्प्लंक हो जाएगा, नेसेस हो जाएगा, लाइक दैट। अगर मेरे को पिम का है तो प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट है, देन उसके अकॉर्डिंग जैसे मान लीजिए ये टेक्नोलॉजीज और दुनिया भर के और भी सॉफ्टवेयर रहते हैं तो वो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो VAPT है, ठीक है, तो VAPT के जो टूल्स रहते हैं, लाइक दैट हम लोग के जो भी टूल्स रहते हैं उसकी ट्रेनिंग या तो इंडिविजुअल के पास रहती है या उसको दिया जाता है। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है कि इसमें वो बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस उसने उसी कंपनी में काम करते करते लिया, या एज ए कंसल्टेंट उसने किसी और कंपनी के साथ काम किया, या उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, वट एवर। सो दीज आर थिंग ज्वाइंट टूगेदर कम्स एज एन इंडिविजुअल एंड कंसिडर एज एन स्किल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट आता है कि अगर कोई स्किल किसी व्यक्ति के पास है तो उस स्किल के बेसिस पे ही उसको रोल मिलना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक इफ आई एम एक्सपर्टाइज, इफ आई एम हैविंग एक्सपीरियंस इन लेट्स से स्प्लंक, और इफ आई एम हैविंग एक्सपीरियंस इन VAPT, ठीक है, या थ्रेट मॉनिटरिंग, तो इन सब चीजों की स्किल में मेरे रोल के अकॉर्डिंग मेरे को प्रोफाइल मिलना चाहिए। दैट्स नंबर वन। दूसरा, अगर मान लीजिए वो ऑर्गेनाइजेशन के पास स्किल नहीं है, सेकंड कंडीशन, अगर वो स्किल की जरूरत उस ऑर्गेनाइजेशन को उस प्रोजेक्ट में मान लीजिए शॉर्ट टर्म है, तो उस केस में क्या करेंगे, इट्स रिकमेंडेड दैट वी शुड नॉट डेवलप दैट स्किल, इंस्टेड वी कैन लुक फॉर हायरिंग सम कंसल्टेंट। मैं थर्ड पार्टी मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, थर्ड पार्टी वेंडर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो कंडीशन यहाँ पे क्या है कि एक्सटर्नल रिसोर्स सच एज ए कंसल्टेंट आर ऑफन अ मोर कॉस्ट इफेक्टिव चॉइस। ये इसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी आती है। ठीक है, स्किल है अगर अपने पास डेवलप करेंगे तो प्रॉब्ली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन इट मे कॉस्ट हायर। सो कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी यहाँ पे देखते हैं, और इसके लिए हम लोग शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए हम लोग वेंडर्स हायर करते हैं, हम लोग कंसल्टेंट्स हायर करते हैं। और एक बार ये कंसल्टेंट के साथ या वेंडर के साथ या जो भी स्किल्स है उसकी रिक्वायरमेंट फाइनलाइज हो जाती है, देन दैट विल बी कम्स अंडर एज ए वेंडर एग्रीमेंट, या उस जो भी इंडिविजुअल है जो कंसल्टेंट है उसके साथ जो हम लोग एम्प्लॉयमेंट का जो फॉर्म भराते हैं उसमें दैट विल बी कंसिडर एज वन ऑफ द की कैटेगरी, जहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं कि तुम्हारे पास क्या क्या रोल्स रहेंगे, व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और व्हाट आर द थिंग्स वी आर लुकिंग फॉर यू टू डिलीवर ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। ये सारी चीजें उस डॉक्यूमेंट में एज एन एग्रीमेंट में लिखा रहता है, और अगर उसको फॉलो किया तो व्हाट विल बी द बेनिफिट्स, अगर नहीं किया तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस, ये सारी छोटी छोटी चीजें भी लिखी रहती है। डिपेंड्स अपॉन एग्रीमेंट टू एग्रीमेंट, डिपेंड्स अपॉन कैसा डील हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, और इसी बेसिस पे भी जो स्क्रीनिंग होती है वेंडर्स की या स्क्रीनिंग होती है इंडिविजुअल्स की, वो उसमें भी ये जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो स्किल्स हैं, ये भी वन ऑफ द कैटेगरी होती है व्हाइल डूइंग एनी सिलेक्शन ऑफ एनी एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये कुछ कैटेगरी थी। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ पे आ सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास एक स्किल नहीं है तो डू यू थिंक हम लोग को डेवलप करना चाहिए, या डू यू थिंक हम लोग को हायर करना चाहिए थर्ड पार्टी और कंसल्टेंट इन केस व्हेन वी हैव अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट, या मे बी दे कैन से 1 ईयर ऑफ और 6 मंथ ऑफ ए प्रोजेक्ट। तो उस तरह की कंडीशन में आपको समझना चाहिए कि हम लोग को डेवलप नहीं करना है, बिकॉज ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस वी शुड गो फॉर द
थर्ड पार्टी वेंडर हायरिंग और एक्सटर्नल रिसोर्सिंग। ठीक है, तो बस इतना ही था स्किल्स में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ध्यान रखिएगा। अपने अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कल्चर्स। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।